और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी खबर ये कि संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अब से थोड़ी देर बाद स्टेटमेंट जारी होगा। जिस तरीके से लगातार विपक्ष की तरफ से गतिरोध बनाया गया है, किसानों के मुद्दे पर लगातार हंगामा चल रहा है, उस गतिरोध को खत्म करने की कोशिश हो सकती है। रक्षा मंत्री की तरफ से बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी कर विपक्ष से अपील की जाएगी कि जो फंक्शन है उसको चलने दिया जाए, कार्रवाई को सुचारू तरीके से चलने दिया जाए, उसको बाधित ना किया जाए। और अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब से थोड़ी देर बाद रक्षा मंत्री बोलेंगे लोकसभा में। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, गतिरोध खत्म करने की कोशिश होगी। रक्षा मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट होगा जारी, सदन चलने की अपील करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या जानकारी? देखिए, क्योंकि जब से इस बार बजट सत्र शुरू हुआ है उसके बाद से लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पाई है। राज्यसभा में हालांकि जो राष्ट्रपति का अभिभाषण था उसी के दौरान किसान कानूनों पर भी चर्चा हुई और उसकी बजट की अवधि, उसकी जो अवधि थी डिबेट की, वो बढ़ा दी गई थी, तो एक तरह से गतिरोध दूर हो गया था। लेकिन लोकसभा में लगातार गतिरोध बना हुआ है। सरकार पिछले काफी दिनों से विपक्ष से अपील कर रही थी कि इस गतिरोध को खत्म किया जाए और यहाँ सरकार बहस के लिए समय निकालने के लिए भी तैयार थी कि इस मसले पर भी बहस की जा सकेगी। लेकिन विपक्ष अभी भी अपने गतिरोध पर कायम है और सरकार की तरफ से आज एक बार फिर अपील की जा सकती है और राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में सदन में अपना बयान दे सकते हैं। तो सरकार की एक बार फिर यह कोशिश की जा रही है कि बजट सत्र, क्योंकि वैसे भी छोटा सत्र है, पहला सेशन जो इसका है, तो वो अगर सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो जो विधायी कार्य है वो पूरी तरीके से रुक जाएंगे। देखते रहिए सिर्फ न्यूज 18 इंडिया पर।